बाबा, तुम लोगों ने अभी तक फूल नहीं सजाया, हर तरफ फूलों की लड़ी लगा दो। डॉक्टर झाटका का शादी है, कोई मजाक नहीं, पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा दो। दुल्हन की तरह क्यों, ये घर तो दूल्हे का है, इसलिए दूल्हे की तरह ही सजाना चाहिए। पूरी बाबा, ये तो कहावत है कि दुल्हन की तरह सजा दो। अरे जल्दी फैसला करो, दुल्हन की तरह सजना है कि दूल्हे की तरह? मेरा दिमाग मत खाओ, जैसा चाहे सजा दो, लेकिन जल्दी करो, सब काम मैं अकेले ही कर रहा हूँ, ना तुम्हारा पता है और ना मोटू का। मैं तो डॉक्टर झटका के लिए घोड़ी लाने गया था, वो उस पे बैठ के दूल्हा बन के शादी करने जाएंगे। पूरी बाबा, डॉक्टर झटका इस उम्र में घोड़ी पे बैठेगा? इस उम्र में शादी कर सकता है तो घोड़ी पे क्यों नहीं बैठ सकता? अच्छा तुम सजावट कराओ, मैं डॉक्टर झटका को देख के आता हूँ, वो तैयार हुए या नहीं। और मैं कैसा लग रहा हूँ यार? तुम तो अच्छे लग रहे हो, लेकिन डॉक्टर झटका कहाँ है और तुम कौन हो? अरे मैं ही हूँ डॉक्टर झटका, मुझे नहीं पहचाने यार। अरे तुमने सिर पे ये क्या बालों का घोंसला बना रखा है? पतलू, डॉक्टर झटका कहाँ है, अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? डॉक्टर झटका यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा है यारो। उड़ी पापा, तुमने इतना खतरनाक गेटअप क्यों लिया है? दुल्हन तो डर के मंडप से ही भाग जाएगा। मोटू मेरे भाई, कैसे हो? अच्छा बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? बड़े भैया आप अच्छे लग रहे हो, लेकिन आप हो कौन? लड़के वालों की तरफ से तो लग नहीं रहे, क्या लड़की वालों की तरफ से हो? तुम्हें कस के पकड़ा है ताकि तुम हमारी तरह उड़ ना जाओ। ये जो आदमी सामने खड़ा है, ये डॉक्टर झटका ही है। ये लो, अब तो सब लोग खुश, अब मैं दिख रहा हूँ डॉक्टर झटका। कसम मेरे मरीजों की, ये घोड़ा तो कुछ ज्यादा ही ऊंचा है, मैं इस पे बैठ नहीं पाया तो बारात कैसे निकलेगी, और अगर बारात नहीं निकली तो शादी कैसे होगी यार? जल्दी करो, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। पापड़ वाले नु कमरी तोड़ डाली यार। मोटू कुछ करो, इस तरह तो बारात निकलेगी ही नहीं, डॉक्टर झटका को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं क्या करूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम्हें कुछ सोचो आइडिया। क्या कर रहे हो? आओ रोको, आओ रोको, उतारो। एक मिनट, ये रुक ही नहीं रहा, कैसे कंट्रोल करते हो? मुझे दो, मैं करता हूँ। सॉरी मेरे भैया। ओए कोई मोटू के हाथ से कंट्रोल वापस लो। जा रहे हो या ऊपर वाले के पास भेज रहे हो यारो? ओए रुकना मेरे भाई, मैं किसी रेस में नहीं जा रहा हूँ यार, बारात में जा रहा हूँ। मोटू पतलू, ओए अगर मेरा घोड़ा वापस नहीं लाया तो छोड़ूंगा नहीं। अरे घोड़े को जाने दो, दूल्हे को कार में ले जाते हैं। नहीं नहीं, एक बार दूल्हा घोड़े पे बैठ के चल दे तो बारात दुल्हन के घर तक घोड़े में ही जानी चाहिए। अगर वो कार में बैठा तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। कितने सालों के बाद मेरी शादी हो रही थी और मोटू की वजह से सब गड़बड़ हो गई, मैं मोटू को छोड़ूंगा नहीं।
बड़े भैया गुस्सा मत हो, हम अभी उस घोड़े को पकड़ के ले आते हैं। चुपचाप पीछे से जाके उसे पकड़ लेते हैं। ये आवाज कैसी है? मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है, बहुत भूख लगी है। वो तो घास खा रहा है, क्या हम समोसे भी नहीं खा सकते? चुपचाप चलो वरना डॉक्टर झटका हमें खा जाएगा। ऐसा लगा जैसे घोड़ा हंसा। अरे चुप करो, घोड़ा कभी हंसता है भला? तो जल्दी कुछ करो, ऐसे तो ये घोड़ा पकड़ में ही नहीं आएगा। मैं क्या करूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अब तुम भी कुछ सोचो। आइडिया, जहाँ ताकत से नहीं अकल से काम लेना पड़ेगा। चलो उस आम के पेड़ पे चढ़ते हैं। हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है, कुछ आम ही खा ले। आम खाने नहीं जा रहे हैं, घोड़ा पकड़ने जा रहे हैं। तभी हम उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन घोड़ा पेड़ पर चढ़ेगा कैसे? चुपचाप मेरे साथ चलो। भारत माता की कसम, मैं उस घोड़े को नहीं छोड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। रुक जाओ। मुनि बाबा, 20 साल के तजुर्बा में रिक्शा पहली बार चला रहा हूँ। यजमान रिक्शा तेज चलाओ और तेज, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, हमें जल्दी से उस घोड़े को ढूंढना ही होगा। और कसम मेरे मरीजों की, एक बार मेरी शादी हो जाए फिर देखना, इस मोटू को तो छोड़ूंगा नहीं। तेज और तेज घसीटे, मेरी शादी का सवाल है यार। पुरी बाबा, मोटू तुम कहाँ फंसा दिया हमको? मामूनी बचाओ। रुक जाओ। ओए घोड़े मेरे भाई रुक जा, मेरे दोस्त की शादी हो जाने दे, फिर जहाँ चाहे भाग जाओ। Stop in the name of law! तुम हिंदुस्तान की कसम, भारत माता की कसम। चिंगम सर कहाँ चले गए? बाहर आओ जल्दी। भैया ऊपर से आए हैं, नीचे जाना है। नीचे नहीं, ऊपर जाना है। अरे रुको रुको, ऐसे बचाओ। अरे क्यों मेरी पैंट के पीछे पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? घोड़े जी माफ कर दो, हमें जाने दो।
देखता हूँ। बहुत परेशान किया है तुमने। शाबाश मोटू, उसे छोड़ना मत, मेरी शादी का सवाल है यार। मोटू वेरी गुड, तुम ही उसे कंट्रोल कर सकते हो। ओ बड़े भैया, बैठो और शादी के लिए चलो। शाबाश मोटू। घोड़े भैया, ये जो तुम्हारे ऊपर बैठे हैं, ये है दूल्हे राजा। इनकी वजह से ही हम तुम्हें पकड़ रहे थे। भूल चूक माफ कर दो और अब दूल्हे राजा को ले जाओ। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।